प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मध्य प्रदेश अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। तो सजगता के साथ मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में काम कर रहा है। आज मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, घड़ियाल स्टेट है, चीता स्टेट भी है। आज माधव राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए शिवपुरी जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर इस पार्क में बाघ रिलीज किए जा रहे हैं। सकारात्मक काम और रचनात्मक काम देखकर मन प्रसन्न होता है, ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला है। जब 45 वर्षीय गंगाबाई ने करीब 200 महिलाओं को काम दिया है। कमलनाथ से मैं आज रोज सवाल पूछ रहा हूं, तुलसीदास की पंक्ति कहते हुए उन्होंने कहा, कमलनाथ जी का झूठी बोलना और झूठी देना, उनका भोजन भी झूठा है। कमलनाथ ने अपने महा झूठा पत्र में यह वादा किया था कि देवी अहिल्याबाई होलकर निःशुल्क शिक्षा शुरू करेंगे, जिसके तहत बेटियों को फ्री शिक्षा दी जाएगी और रियायती दरों पर दो पहिया वाहन के लिए लोन दिया जाएगा। इन वचनों का क्या हुआ, कमलनाथ बताएं। श्रद्धेय सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि है, उन्होंने महिला शिक्षा की अलख देश में सबसे पहले जगाने का काम किया। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आज मध्य प्रदेश की माटी के सपूत स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की जयंती है। प्रदेश की प्रगति और विकास में उन्होंने बहुत अतुलनीय योगदान दिया है। मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मध्य प्रदेश अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। सजगता के साथ मध्य प्रदेश लगातार